अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाजिर है और इमिग्रेशन के हवाले से कुछ अपडेट्स और कुछ टिप्स आपके लिए मैं पेश करूंगी। तो मैंने तीन चार मौजूआत चुने हैं, उनमें नंबर वन जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से है, नंबर दो जो है वो पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट के हवाले से है और नंबर तीन जो है वो सुपर वीज़ा के हवाले से है। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से जब मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने बताया था कि लास्ट ड्रॉ में 542 का स्कोर बना था और उसके बाद और मैंने बातें की थी एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से, तो काफ़ी मेरे पास इनटेक फॉर्म लोगों ने फिल आउट किए और हम लोगों ने कंसल्टेशंस भी की। तो बस ये मैं कहना चाहूँगी कि स्कोर अभी भी काफ़ी हाई है और अभी क्योंकि इतने दिनों से हुई नहीं थी ड्रॉज, तो उसमें जाहिर है जो लोग टॉप पर थे उनको पहले पिक किया गया और अभी 542 पर आया, तो अब उम्मीद है कि थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि गुज़िश्ता जो तजर्बा है उसके हवाले से मैं कह सकती हूँ कि अभी तीन चार जो ड्रॉज होंगी उनमें तवक्को यही की जा रही है कि 500 से ऊपर ही स्कोर रहेगा। और 500 से ऊपर स्कोर होने का मतलब यह है कि आपकी तालीम हाईएस्ट हो, लाइक मास्टर्स हो, आप अंडर 37 हो, आपका कोई ना कोई रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, बहन भाई, चाचा चाची, मामू मुमानी, इस तरह के लोग, बहन भाई आपके कनाडा में मौजूद हों, या तो पीआर या सिटीज़न, और इंग्लिश का स्कोर आपका टॉप क्लास हो, लाइक जैसे कि बेहतरीन कैंडिडेट्स जो भी हो सकता है उसके लिए ड्रॉज आजकल हो रही हैं। और जब ड्रॉज नीचे होती जाएंगी तो फिर जाहिर है कि जो लोग नीचे ड्रॉ में बैठे हैं जिनके स्कोर कम है उनको पिक किया जाने की उम्मीद है। तो आप अपने स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो यह है, देखिए जाहिर है एज तो बढ़ेगी, घट नहीं रही, तो एज का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश आइल्स स्कोर या सेल्फ हेल्प का जो स्कोर है उसके ज़रिए से आप अपने इंग्लिश का स्कोर बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ये एक तरीका है। या नहीं तो अगर आपके पास कोई, अगर आपको कनाडा में लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के हवाले से जॉब ऑफर दे दे तो उसको आप, उसके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नंबर दो जो बात मैं करना चाहूँगी तालिबे इल्मों या स्टूडेंट्स के हवाले से, देखिए जो भी यहाँ पे तुलबा आते हैं वो काफ़ी पैसे खर्च करके आते हैं, उनके माँ बाप काफ़ी तगोदो के बाद इतने पैसे जमा कर पाते हैं, अलेस आप बहुत अमीर और कबीर हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अमूमन जो मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं उनके माँ बाप जो हैं अपने ज़िंदगी भर की पूंजी लगाकर बच्चों को यहाँ भेजते हैं। और फिर उसके बाद तालीम ख़त्म होने के बाद पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिलता है। पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट जो होता है वो सिर्फ एक दफ़ा मिलता है किसी भी स्टूडेंट को, एक दफ़ा, और उसमें एक्सटेंशन नहीं होती। तो कोविड के दौरान कुछ ऐसे हुए हालात के कई बिजनेसेस बंद हो गए, कई स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने ओवरसीज तालीम हासिल की थी वो यहाँ आए तो उनको फिर वो एक साल का एक्सपीरियंस नहीं मिला और उनका जो पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया या होने वाला है। तो खुशखबरी ये है कि इस मसले को हल करने के लिए इमिग्रेशन कनाडा ने एक तौसीई प्रोग्राम शुरू किया है पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट होल्डर्स के लिए और जिन लोगों के एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए भी और जिनके होने वाले हैं उनके लिए भी तौसी करने की उन्होंने एक एलानिया जारी किया है। और तमाम मालूमात जो हैं वो cic.gc.ca से भी मालूम की जा सकती हैं, या अगर आपके पास सवाल है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक खुशाइन बात है और जो स्टूडेंट्स के जो हलकों में एक मायूसी पाई जा रही थी कि अब हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के जॉब ऑफर की तरफ जाएं, जो कि आसान नहीं है हासिल करना, तो ये एक बहुत खुशी की बात है और मैं कहूँगी कि इमिग्रेशन कनाडा ने एक अच्छा कदम उठाया है। एक यंग और एनर्जेटिक और टैलेंटेड पूल को कनाडा से वापस भेजने के लिए, तो जाहिर है कनाडा को ज़रूरत है
लेकिन कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं था जिसकी वजह से ये पूल लोगों का इस्तेमाल होता। तो अब जो है इससे एक खुशी की लहर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएट परमिट एक्सपायर होने वाला था ये हो चुका है उनके लिए, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, तो तमाम मालूम जो है cic.gc.ca की वेबसाइट पर मौजूद है। नंबर तीन जो मेरा जो टॉपिक था सुपर वीज़ा के हवाले से है। देखिए, सुपर वीज़ा जब आप अपने वालदैन या नाना नानी या दादा दादी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक शर्त ही होती है, नंबर वन तो ये होता है कि आपका आपकी इनकम आपकी फैमिली के हिसाब से इनफ हो, यानी अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं तो दो पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो तीन के हिसाब से इनकम होनी ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे पाँच की है और एक पेरेंट को आप बुला रहे हैं तो छः को आपका उसको भी काउंट करें जिनको आप बुला रहे हैं, तो उसके हिसाब से इनकम आपकी होनी ज़रूरी है। नंबर दो, आपको यहाँ पर उनका इंश्योरेंस लेनी होती है 100,000 कैनेडियन की और मेडिकल कराना होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो एक चेंज आई है एक दो दिन पहले ही, वो ये है कि जो इंश्योरेंस आप लेते थे उसमें पहले ये होता था कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे पे कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आपको तमाम तर जो भी रकम है इंश्योरेंस की फौरन अदा करनी होगी और इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से वो गवर्नमेंट ने वो वाली फैसिलिटी जो है एक तरह से हटा ली है। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी आपके केसेस आप दाखिल करने जा रहे हैं और जो आपने पहले किए हुए हैं उनमें भी आप देखें कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया हुआ है तो आप उसकी मुकम्मल अदायगी करें, और वरना उसके बगैर आपका जो सुपर वीज़ा का जो सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन है वो उसकी रिजेक्शन आ सकती है। तो ये मालूमात भी आपको cic.gc.ca पर भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद डिटेल मालूम करें या आपको सुपर वीज़ा की एप्लीकेशन दाखिल करवानी है अपने किसी रिश्तेदार के लिए, पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, अब जो नंबर चार जो है मेरा वो ये है कि देखिए, मेरी वेबसाइट पर इनटेक फॉर्म मौजूद है। इनटेक फॉर्म में यह है कि आप अपनी तमाम मालूमात उसमें डाल सकते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल है और मेरे डायरेक्टली हमारे पास आती है, और उसके साथ साथ एक हमारा एक अग्रीमेंट भी होता है जो भी हमारी वेबसाइट पे canemsolutions.ca पर मौजूद है, और वो अग्रीमेंट भी साइन करना ज़रूरी होता है, वो भी ऑनलाइन ही हो जाता है। और उसमें सहूलत दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आधे घंटे की कंसल्टेशन बुक करें जूम की मीटिंग, या एक घंटे की या दो घंटे की, तो ये डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। अमूमन लोग एक घंटे की बुक करते हैं, तो आप देख लें जैसे आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बुक करें, और फिर उसी के लिहाज से हमारी वेबसाइट पर पेमेंट की सहूलत भी मौजूद है जो आप अपने एक्सेस कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इनटेक फॉर्म, अग्रीमेंट और जो भी इससे मुतालिका फ़ीस है, जब तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री के, उनके साथ एक जूम की मीटिंग हम लोग फिर बुक करते हैं। तो ये तरीक़ेकार है पूरा, बजाय इसके कि बैक एंड फोर्थ हो, तो सारी चीज़ें वेबसाइट पर ही अवेलेबल हैं। और एक और बात यह है कि जैसे कि आप कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हमारे ऑफिस में उर्दू से इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की सहूलियत भी मौजूद है। मैं खुद एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स और सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया दोनों से मैं सर्टिफाइड हूँ एज एन इंटरप्रेटर, कोर्ट इंटरप्रेटर और एज ए ट्रांसलेटर। तो किसी भी तरह के आपके दस्तावेजात हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हों, चाहे वो चैट्स हों, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म्स, डिवोर्स सर्टिफिकेट, अगर रेफ्यूजी केस है तो FIRs और लेटर्स, एफिडेविट्स, यू नेम इट, और हम लोग हर तरह के ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के हवाले से अगर आप मुझे कॉल करना चाहेंगे तो मेरा फ़ोन नंबर है 905
513-0012, इमिग्रेशन के लिए 101 आप प्रेस करेंगे और ट्रांसलेशन के लिए 102। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये मालूमात और टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैंने अभी आपको नंबर भी बताया, 905-513-0012। आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मज़ीद नए टिप्स और नए अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।